hello hello everyone so very very good evening to all of you guys all good so guys finally we are going to start one of the important topic that is climate of india आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है क्लाइमेट का पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे मानसून और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है ये मानसून इंडिया में आता कैसे है कैसे जाता है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आप मेजर चीजों को कवर कर पाओगे अच्छे से मैं आपको ये बोल सकता हूं क्योंकि यहां पर हमेशा ही वाला टॉपिक यूपीएससी का हॉट फेवरेट रहा है अगर मैं बात करूं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूपीएससी के लिए हमेशा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपको उस चीज से समझना होगा तो एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए एक बार फटाफट क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में कवर करने वाले हैं सर मुझे टॉपिक समझ नहीं आता आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे क्लाइमेट टॉपिक समझ नहीं आता आज के बाद आपको क्लाइमेट बहुत डिटेल में अच्छे समझ आ जाएगा मानसून आ जाएगा चीजों के साथ बट एक चीज याद रखना 90 मिनट्स के अप्रोक्स का सेशन होने वाला है तो इस 90 मिनट्स के अंदर बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ फोकस्ड के साथ अगर ये 90 मिनट समझ लिया तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप मानसून जो है आपका उसका 70 से 80 परसेंट कंसेप्ट को समझ पाओगे क्योंकि कुछ थ्योरीज हैं जैसे अलग अलग वो थोड़ा हाई थ्योरीज हो जाती है उनको अलग से बताऊंगा बट बत यहां पर ओवर एंड जो एक पूरा एवरेज होता है मानसून का कि क्या निचोड़ है वो आपके सामने हम लेके आ जाएंगे ठीक है फाइन तो हम आते हैं फटाफट फड़ जल्दी से विदाउट एनी डिले अरे बाबा आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है मैं 120 मिनट लूंगा दैट मीन्स कि आपका कोई सेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने लापरवाही की हो जिसमें मैंने कंजूसी की हो कि यार मुझे 60 मिनट पढ़ाना है 50 मिनट पढ़ाना है टॉपिक को कट कर दूं मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक जरूरी है ना मुझे एक घंटे का सेशन लेना है भले मुझे दो घंटे क्यों ना हो जाए पर मुझे पूरा टॉपिक कवर करना है तो वो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना क्योंकि क्लास में कोई फालतू के डिस्कशन तो होती नहीं है टू द पॉइंट बात होती है दैट मींस कंटेंट ही तो अच्छा पढ़ रहे है आप लोग अभी आपको लग रहा है कि 20 30 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ोगे बाद में जब चीजों को समझोगे ना एक्सप्लेनेशन को समझोगे तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है एट द एंड तो विदाउट एनी डिले सब फटाफट जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में

ऑल आर एवेलेबल ऑन एनअमी सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है जो भी स्टूडेंट है वो चाहता है तो सुबह आठ बजे से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में और येडमी ये के प्लस कोर्स पर स्टार्ट हो रहा है सर उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए आपको अन का सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आप वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जस्ट आपको ये कोड यूज करना है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट कि इस कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक्सटेंशन भी मिलने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा प्लस आपको मेरी मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी इट मींस अगर आप डमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ऑप्शनल और interview. और इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप एक ही बैच को ज्वाइन कर पाओगे ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बैच कर पाओगे जितने भी बैचेज अन एकेडमी पर अवेलेबल है सारे बैचेस पढ़ पाओगे ये नहीं कि थोड़े से पैसों में एक बैच डाल दिया उसमें कंसेप्ट समझ में नहीं आई जो भी कंसेप्ट जितने टीचर हैं सब अवेलेबल है सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जब से अन अकेडमी स्टार्ट हुआ है

एस क्लियर नहीं होता वन ईयर आपको के एंड से एक्सटेंशन मिलेगा और ये सारी चीजें आप जैसे ही ए एम टेन कोड यूज करोगे आपको मिल जाएंगी प्लस मेरी मेंटरशिप गाइडेंस कैसे पढ़ना है क्या चीजें हैं, सब चीजों में आपको हेल्प मिलने वाली है ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें आपके बेस्ट ऑफ नंबर से स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम सब में आपको मिलेंगे ऑप्शनल मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट प्लस मेरी मेंटरशिप गाइडेंस स्ट्रक्चर सारी चीजें और यही रीजन है अन अकेडमी ने इतने सिलेक्शन दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो एजुकेटर है इंडिया के सब कुछ बेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल है वहीं पर अगर हम बात करें करेंगे सी सेट भी आपका स्टार्ट कर चुका है सिर्फ नाइन में अगर आप खाली सी सेट लेना चाहते हो इसे भी ले सकते हो यूजिंग द कोड ए बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए फिडल्स मेस ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू कहीं जाने की जरूरत नहीं है अभी भी आपके पास मोर देन सिक्स मंथ से ज्यादा पड़े हैं फिलिम्स के मे में है आपके पास बहुत टाइम है अगर आप स्ट्रक्चर चीजों के साथ आते हो एक सिस्टम के साथ आते हो एक अप्रोच के साथ आते हो वहीं पर आपका सी एस सी चैंपियनशिप है आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो ए एम कोड यूज करके और ये फ्री में एनरोल करके आप इस टेस्ट को दे सकते हो थर्टीन नवंबर 11 जिनके साथ आप मिल सकते हो और पांच आपके रिवील हो जाएंगे वहीं पर गाइज यू पी एस सी सी एस सी ड्रीम दैट मीन आप लोन के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप सिंगल टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो नहीं है जस्ट सिंपली आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर लोन ले सकते हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसके लिए वहां पर जाइए फिल कीजिए और वहां पर फिल करते ही वहां पर एजुकेटर नेम में, में मेरा नेम और कोड ए एम टेन डालिए और याद रखिए एक चीज कि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो यूजिंग ओनली कोड ए तभी आपको मेंटरशिप मिल पाएगी बिकॉज सेल्स टीम के एंड से आपको कोई हेल्प नहीं हो पाएगी वहीं पर अगर हम बात करें आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई पर भी आप ले सकते हो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है जो आपका पेमेंट है वही आपको करना होगा तो फटाफट विदाउट एनी डिले ज्यादा डिले नहीं करते अपने टॉपिक पर आते हैं दैट इज मानसून और क्लाइमेट देखिए गाइस हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमने बात की वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट और जो हमारे देश का क्लाइमेट है दैट इज नोन एज मानसून अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं क्लाइमेट क्या होता है मानसून क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे देखिए गाइस क्लाइमेट क्या होता है क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग पॉइंट है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी बोलते हो वेदर ऐसा है कभी क्लाइमेट बोल देते हो कभी मानसून बोल देते हो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होता है एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए आप लोग अभी आ नहीं रहे हैं फटाफट जल्दी से आइए एक बार ज्वाइन कीजिए सभी स्टूडेंट फिर स्टार्ट करता हूं मैं क्योंकि एक भी चीज आपकी बच गई ना फिर कोई भी बेनिफिट नहीं है उस चीज का फटाफट जल्दी से आइए सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए एक बार कम ऑन फास्ट सब बताऊंगा मैं कैसे कैसे है मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकेडमी अंडर स्कोर अनुरुद्ध मलिक कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख देगा आते हैं चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं देखिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा और उसको आपको समझना है फिर अपने आप आपको चीज़ें क्लैरिफाई होती चली जाएंगी देखिए गैस क्या है हम बात करते हैं हमेशा क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट फिर आपने उसी क्लाइमेट के साथ साथ एक और कंसेप्ट के बारे में सुना होगा आप बहुत बार न्यूज में सुनते हो कि हमारा क्लाइमेट कैसा है क्या क्या चीजें फिर एक कंसेप्ट सुना होगा वेदर के बारे में आपने वेदर के बारे में सुना होगा सो यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए सर क्लाइमेट है ना वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है क्लाइमेट ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना मतलब अगर आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो समझने की कोशिश करना अगर आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग पीरियड कितना तीस से ज्यादा सालों के लिए अगर आप चीजों का एवरेज निकालते हो उसको बोलते हैं आपका क्लाइमेट वहीं पर अगर कोई चीज अगर आप जैसे मान के चलिए आप रहते हो दिल्ली में रह रहे हो अगर आप दिल्ली का जो कंडीशन है कौन कौन सी याद रखना यहां पर फिर लिखिए दिल्ली की एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है डेली में प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कितनी होती है डेली की ह्यूमिडिटी कितनी है डेली में टेम्परेचर कितना है ये सारी चीजों का अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तीस या तीस से ज्यादा सालों के लिए याद रखना दिल्ली के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है दिल्ली की अंदर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन कितनी होती है वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी है वहां पर विंड का सिस्टम कैसा है वहां पर टेम्परेचर कैसा है इन सब चीज़ों का अगर आप एवरेज निकालते हो कंटिन्यूस मीजर करते हो तीस साल तक तो उस चीज को बोलते हैं क्लाइमेट दैट मींस अगर हम बात करेंगे कि जो इंडिया है उसका क्लाइमेट कैसा है दैट इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट अब क्वेश्चन बनता है हमने इसका नाम मानसून क्यों रखा हमने इसका नाम मानसून क्यों रखा वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या रीजन हुआ कि हमने इंडिया का नाम इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून रखा इट मींस कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो क्यों रखा हमने मानसून टाइप क्योंकि हमने इंडिया के ऊपर तीस साल से ज्यादा वहां पर एवरेज विंड की जो विंड की मूवमेंट की डायरेक्शन है उसको स्टडी किया वहां के टेम्परेचर को स्टडी किया ह्यूमिडिटी को किया और फिर हमने एक वर्ड लेके आए कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहीं पर मैं आपको बता रहा हूं वेदर के बारे में वट इज वेदर सर वेदर है मतलब शॉर्ट टर्म फिनोमिना किसी भी एरिया का टेम्परेचर कितना है रेनफॉल कितनी है ह्यूमिडिटी कितनी है अगर हम इन सब चीजों का एवरेज निकालते हैं या तो एक घंटे का या आपका एक दिन का या आपका दस घंटे का या दो दिन का टू डेज का अगर हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलते हैं वेदर तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि वेदर क्या है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो वही पॉइंट है कि हम हमेशा नोटिस करते हैं कि आज का वेदर अलग है अभी वेदर चेंज हो गया अभी सनशाइन है अभी क्लाउडी वेदर है दैट मींस बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं तो वो चीजें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कभी आपने बोला कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज सो कभी बोलते हैं वेदर चेंज हो रहा है क्योंकि वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जो रैपिडली चेंज हो सकता है जो घंटों में चेंज हो सकता है जो मिनटों में चेंज हो सकता है तो वेदर और क्लाइमेट बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और ये अलग-अलग है एक आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज है ये चीजें आपको याद रखनी होंगी ठीक है सारी चीजें पढ़ाऊंगा अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में हमने बोला कि इन सारी चीजों का एवरेज रख के हम क्लाइमेट बताते हैं तीस साल से ज्यादा का तो हमने वहां पर जो इंडिया है हमारी कंट्री समझना पॉइंट मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूं कि जो हमारा देश भारत है यहां पर जो हमारा देश भारत है इंडिया हमने क्या किया हमने इंडिया की एवरेज कंडीशन निकाली कि यहां पर कितनी रेनफॉल है कितना प्रेसिपिटेशन होता है कितनी ह्यूमिडिटी है कितना यहां पर एटमोसफेरिक प्रेशर है टेम्परेचर कितना है इसको कंटिन्यूसली तीन साल से ज्यादा हमने एवरेज निकाला और हमने यहां पर फाइंड आउट किया कि जो इंडिया का क्लाइमेट है ना वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है अब बोलोगे सर ये हमने कैसे पढ़ाया और कैसे बताया कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है देखिए स्काई जो मानसून वर्ड है ना ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है मानसून वर्ड है ना जो ये, ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है और इस अरेबिक वर्ड मानसून का कहां से निकला है मौसम से याद रखना एक अरेबिक वर्ड है मौसम इस मौसम वर्ड से निकला है मानसून मानसून का मतलब होता है क्या चीज विंड सर विंड, विंड तो हर जगह चलती है पवन क्या चीज है ये इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड विंड दैट मींस जो हमारी है मानसून का मतलब क्या है मानसून का मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब जो हमारी विंड है ना उसकी डायरेक्शन सीजनल रिवर्सल हो रही है मतलब क्या है सर मतलब हमारी जो विंड की डायरेक्शन है वो छह महीने तो टूवर्ड्स द इंडिया जा रही हैं और छह महीने इंडिया से वापस आ रही हैं तो दैट मींस इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसी डायरेक्शन को चेंज होने का जो एक पैटर्न है उसी को मानसून बोलते हैं और आपको पता होगा कि जब समर सीजन आता है तो यहां पर ये वेस्ट विंड आती हैं और उसके बाद जब विंटर सीजन आता है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेडविंड आती हैं जो इंडिया से बाहर निकलती है और इन्हीं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को हम बोलते हैं मानसून जो कि अरेबिक वर्ड मोहसिन से लिया गया है क्योंकि जो एशियन टाइम्स पर टाइम मिडिवल टाइम में जो अरब ट्रेवलर्स थे जब वो इंडिया में आते थे तो जब वो अपनी बोट्स के साथ आते थे तो वो नोटिस करते थे कभी तो विंड उनकी बोट को पुश कर रही है एक डायरेक्शन में कभी वो विंड उनको अपोज कर रही है तो उन्होंने देखा कि ये विंड की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है बिकॉज ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है इस वजह से वहां पर चीजें चेंज हो रही हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं समझ में आगे क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से तो दैट मीन्स क्या हो रहा है मानसून में सर मानसून में देखो दो चीजें हो रही हैं अगर मैं एक रफली मैप बनाऊं इंडिया का और आप लोग चीजों को समझो अगर आप लोग चीजों को समझो अगर मैं रफली मैप बनाऊं इंडिया का और आप लोग चीजों को समझो तो याद रखना समर सीजन में क्या हो रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट समर सीजन समर सीजन को मैं ड्रॉ करूंगा इस ग्रीन से तो समर सीजन में क्या हो रहा है समर सीजन में जो हमारी विंड है वो आपकी हमेशा याद रखना वो सी से लैंड की तरफ जा रही है समर सीजन में जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ जा रही है मतलब समुद्र से लैंड की तरफ जा रही है समर सीजन में अब क्या हो रहा है सर अब विंटर सीजन में याद रखना अब विंटर सीजन में क्या हो रहा है विंटर सीजन में इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है सब बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है समर सीजन में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जो डायरेक्शन चेंज होती है ना वो डायरेक्शन चेंज इसलिए होती है अब ये डायरेक्शन इनकी कहां से लैंड टू सी अब क्या हो रहा है डायरेक्शन लैंड टू सी हो रही है तो क्या हो रहा है समर में कुछ और डायरेक्शन है विंटर में डायरेक्शन कुछ और है पहले तो सी से लैंड की तरफ जा रही हैं अब लैंड से सी की तरफ जा रही हैं तो इन्हीं सीजन रिवर्सल ऑफ विंड को हम बोलते हैं क्या चीज हम इसको मानसून बोलते हैं अभी दो चीज और बताता हूं उसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विंड क्या है और अब बहुत बार हम एयर पढ़ते हैं हम दोनों चीज एक साथ यूज कर लेते हैं हम इन दोनों चीजों को एक साथ यूज कर लेते हैं सब बताऊंगा ऑफ शोर ऑन शोर क्या होते हैं आई कैन एक्सप्लेन यू एवरी थिंग कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा आराम आराम से बताऊंगा बट बत आपको फोकस होना है चीज़ों के साथ ठीक है जब आप फोकस होते चले जाओगे चीज़ों को अपने आप समझते चले जाओगे आइए फटाफट आते हैं आगे की तरफ विंड और एयर में क्या डिफरेंस है हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना जब जब आपका मूवमेंट हॉरिजोंटली होगा जब आपका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगा जब आपका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगा हॉरिजॉन्टल होगा वो हमेशा विंड होगी जब भी आपकी हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे उसको विंड बोलेंगे और जब मूवमेंट वर्टिकल होगा जब मूवमेंट वर्टिकल होगा तो उसको बोलेंगे एयर जब आपकी याद रखना हम क्या बात करते हैं कि एयर क्या कर रही है राइस कर रही है तो राइस कैसे हो रही है वर्टिकली हो रही है हम क्या बोलते हैं एयर डिसेंड कर रही है एयर क्या कर रही है राइस कर रही है एयर क्या कर रही है राइज कर रही है या एयर क्या कर रही है डिसेंड कर रही है नीचे की तरफ तो क्या हो रहा है वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है हमने कभी बोला कि विंड राइज कर रही है विंड डिसेंड कर रही है क्योंकि तो विंड कभी भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं करती एयर हमेशा वर्टिकल मूवमेंट होगा उसको एयर बोलेंगे और हमेशा हम बात करते हैं ट्रेड विंड कि हमारी ट्रेड विंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड दैट ये हॉरिजोटली मूव कर रही है और जो भी हॉरिजोटल मूवमेंट होगा वो आपकी विंड होगी कभी मैंने बोला कि साउथ वेस्ट एयर या नॉर्थ ईस्ट एयर दीज आर द ट्रेड विंड बिकॉज दी मूविंग हॉरिजोंटली तो जब भी हॉरिजोंटली मूवमेंट होगा उसको विंड बोलेंगे वर्टिकल मूवमेंट होगा उसको एयर बोलेंगे याद रखना ये चीज फाइन आगे बनते हैं आगे चीजों को पढ़ते हैं अब क्या हो रहा है कैसे कैसे कंसेप्ट सारा देखा जाएगा देखिए दो चीजों के ऊपर चीजें होंगी और अभी दो मिनट और लूंगा दो से तीन मिनट वो कंसेप्ट समझती मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा आपके इंडियन मानसून के ऊपर उसके फंक्शनर के ऊपर सारी चीजें कैसे आकर कर रही हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो यार मुझे पता ही नहीं लग रहा आप लोग आधे अधूरे बच्चे आ रहे हो कुछ प्रॉब्लम हो गई हमसे गलती हो गई क्या कुछ बता दो हमसे कुछ गलती हो गई आ जाओ यार फटाफट जल्दी से शेयर कर दो गलती हो गई तो माफी चाहते हैं आप लोगों से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो आधे अधूरे आते हो अब आपसे बोला हुआ है कि जब तक ये इलेवेंथ क्लास की एनसीआर खत्म नहीं होगी रेगुलर क्लास होगी फाइव पी पर मिस होनी नहीं है इतना हो सकता है पाँच दस मिनट डिले हो जाए और डिले का रीजन बता सकता हूं आपको यहां पर देखिए इमेजेस देखिए अभी ये टाइमिंग भी देख लीजिएगा यहां पर ये इमेजेस हैं इमेजेस अभी देखिए टाइम देखिए 458 पर इमेजेस एड ऑन कर रहा हूं एक्स्ट्रा क्यों एड ऑन कर रहा हूं ताकि कुछ और समझा सकूं और ईस कर सकूं 558 पर इमेजेस डाली है व्हाट्सएप पर क्रॉप करके ताकि इसमें एड ऑन कर सकूं वो डिले इस वजह से ही होता है कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा याद रखना हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा वो यूं लगता है कि यार बच्चे दस मिनट वेट कर लेंगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उस चक्कर में डिले होता है तो फटाफट आइए अब मैं दो तीन चीजें समझाता हूं क्या होता है कैसे होता है एक तो अगर मैं बताता हूं टेम्परेचर हाई है तब क्या होगा टेम्परेचर हाई है तब क्या होगा और एक चीज याद रखना अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा हमेशा याद रखना देखिए गाइस जब भी टेम्परेचर हाई है समझने की कोशिश करना जब भी टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा इस एरिया का यहां पर ये एरिया है इसका टेम्परेचर हाई है और जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर क्या होगी वो एरिया क्या होगा गर्म हो जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा अब ये एरिया गर्म हो गया ये लैंड एरिया गर्म हो गया अब लैंड एरिया गर्म होती है, इसके जो सरफेस के ऊपर की क्या चीज है एयर है एयर क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ये गर्म होंगे गर्म होते ही ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे गर्म होते ही ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे याद रखना अब ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ टेम्परेचर हाई हुआ जब ये ऊपर उठ गए और नीचे क्या होंगे नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे क्योंकि गर्म होते ही ऊपर उठ गए तो यहां पर क्या होगा टेम्परेचर तो हाई हो गया बट गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ कम हो जाएंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा लो क्या हो जाएगा यहां पर दोबारा अच्छे से मैं अगर आपके सामने लिखूं तो यहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा अगर अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो एल पी करके आप लिख सकते हो एल पी करके आप लिख सकते हो ठीक है तो क्या हुआ टेम्परेचर हाई वॉर्म एयर ऊपर उठेगी नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स कम है क्योंकि एयर ऊपर उठ चुकी है तो क्या हुआ यहां पर लो प्रेशर होगा अब जहां पर टेम्परेचर लो होगा ठंडा होगा वहां पर आपको हमेशा पता है कि जब एयर ठंडी होती है तो एयर ठंडी होने पर डिसेंड होती है वो नीचे की तरफ बैठना पसंद करती है क्योंकि जब ठंड होगी तो एयर क्या करेगी डिसेंड करेगी हमेशा याद रखना अब क्या हुआ यहां पर ठंड है तो एयर क्या कर रही है नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है एयर क्या कर रही है नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है हमेशा याद रखना तो टेम्परेचर लो एयर डिसेंड करेगी इधर की तरफ जब ये डिसेंड करेगी नीचे की तरफ तो यहां पर गैस के मॉलिक और ज्यादा आ जाएंगे तो दैट मीन प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर हाई प्रेशर होगा यहां पर हाई प्रेशर होगा याद रखना यह चीज क्या होगा यहां पर हाई प्रेशर होगा अब याद रखना अब क्वेश्चन बनता है कि विंड का मूवमेंट कैसे होता है अब क्वेश्चन बनता है विंड का मूवमेंट किस तरीके से होता है तो ऑलवेज याद रखना कि जो हमारी विंड है ना वो ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी हमेशा याद रखना ये ये चीज चीज अगर आपने ये समझ गए तो आप बहुत सारे कंसेप्ट को आगे आने वाले टाइम में समझ जाओगे जो विंड का मूवमेंट है इट्स ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे मतलब क्या है सिंपल सा पॉइंट है मेरे पास एक रूम है एक रूम है यहां पर और इसी रूम के साथ यहां पर एक मैंने दूसरा रूम भी कनेक्ट कर दिया है इसी रूम के साथ इसी रूम के साथ मैंने यहां पर एक दूसरा रूम भी कनेक्ट कर दिया है समझने की कोशिश करना एक दूसरा रूम भी कनेक्ट कर दिया है यहां पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर कम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप नोटिस देखोगे कि यहां पर जहां पर ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर हाई प्रेशर होगा इनकी टेंडेंसी क्या होगी जहां पर कम होंगे उधर जाने की तरफ तो सिंपल वही है जहां पर प्रेशर हाई होगा वो किधर की तरफ चलेंगे लो प्रेशर की तरफ जाने

डिपेंड करता है मतलब कहीं पर भी जिस टाइप का क्लाइमेट बनेगा वो कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर है।, मतलब है, है, है तो इस इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ चलते चले जाओगे दोनों तरफ वहां पर टेम्परेचर कम होगा और जो कंट्री जितना पास होगी इक्वेटर के वहां का टेम्परेचर उतना ही हाई होगा तो उसके कारण

वन किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हो तो एवरी वन किलोमीटर जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है हर एक एक किलोमीटर पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है यानी कि एवरी थाउजेंड मीटर पर आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आप जैसे जैसे माउंटेन पर ऊपर चलोगे ये लेप्सरेट का कंसेप्ट है जब मैं क्लाइमेटोलॉजी के साथ चीजों को पढ़ाऊंगा ना और इंडियन ज्योग्राफी और डिटेल में आऊंगा तो वहां पर ये चीजें आपके सामने रखूंगा बहुत अच्छे से ठीक है अभी हम एनसीईआरटी है तो उस हिसाब से भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं ठीक है बस अभी आपको याद रखना है कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है तो जैसे ही हम हाइट पर एल्टीट्यूड पर जाएंगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ले लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर जाएंगे तो वहां पर ठंड इस वजह से होती है क्योंकि एक किलोमीटर पर टेम्परेचर सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है और मेरे हिसाब से मैंने ये कंसेप्ट बहुत बार पढ़ाया हुआ है अगर आप लोग चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा मुझे आप बता दीजिए एक बार मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है इफ यू वॉन्ट कि मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए पता है आप लोगों को कौन कौन स्टूडेंट चाहता है कि सर बता दे पढ़ाया है ना कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको एक्सप्लेन कर दू ठीक है यस yes, सर आप लोगों को पता हुआ है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दो चीज बताता हूं एक बार आइए पीछे की तरफ चलो एक हल्का सा फैक्टर दे देता हूं एक हल्की सी झलक दे देता हूं आपको देखिए हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना बहुत जल्दी समझिए यहां पर अगर ये सन है ना ये सन और यहां पर ये हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है फोर्स होती है। इसी तरीके से आपकी जो एटमोस्फेयर है इसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस है इसके पास गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं एटमोस्फेयर आपका थिक होता है ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने के कारण थिक एटमॉस्फेयर होता है नियर द सरफेस अर्थ के सरफेस के पास और जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स थिन होंगे क्योंकि ऊपर जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगी तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स भी कम अवेलेबल होंगे अब कम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा सर उससे यह होगा कि जो हमारा सन है इससे हमारी इंसुलेशन आती है दैट मीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो हमारी जो सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है ये रही इनकमिंग सोलर रेडिएशन और हमेशा याद रखना किस फॉर्म में आती है, है? शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है हमेशा याद रखना बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा एटमॉस्फेयर के जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कभी भी इन शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्सॉर्व नहीं करते हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी इन शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं करते और जैसे ही ये शॉर्ट वेव रेडिएशन समझना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही ये शॉर्ट वेव रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ के सरफेस से टकराती ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, है। याद रखना दीज आर कन्वर्टेड इन टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है किस में कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है समझ में आया अब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्सॉर्व करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस के मोलिक्यूल तो अब क्या हुआ कि जो हमारे यहां पर इनकमिंग को तो एब्सॉर्व नहीं कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस पर ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स मोर हीट को एब्सॉर्व करेंगे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है इसकी मोर हीट को एब्सॉर्व करेंगे मोर हीट एब्सॉर्व करेंगे तो यहां का टेम्परेचर हाई होगा यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम है माउंटेन पर जाओगे जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जिसके कारण वो कम आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो कर ही नहीं रहे बट जो लॉन्ग वेव है मॉलिक्यूल्स कम है कम हीट को एब्सॉर्व करेंगे इसी वजह से ऊपर टेम्परेचर क्या होता है आपका लो होता है याद रखना चाहे आप एटमॉस्फेयर में चले जाओ हाई एटमॉस्फेयर में एल्टीट्यूड पर चले जाओ सेम बात है वहां पर टेम्परेचर कम मिलेगा क्यों क्योंकि वहां पर थिन एटमॉस्फेयर होता है और थिन एटमॉस्फेयर होने के कारण वो कम आपकी सन की इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो करते ही नहीं है बट इस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी कम एब्जॉर्व करते हैं ठीक है ये चीजें समझ में आ गया ऐसा क्यों है अब आते हैं आगे की तरफ यहां पर मैंने आपको बताया उसके बाद है प्रेशर एंड विंड सिस्टम प्रेशर एंड विंड सिस्टम का फैक्टर मैंने बता ही दिया है कि जिस एरिया में समझना जिस एरिया में टेम्परेचर हाई होगा अगर यहां पर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है और इस वाले एरिया में इधर की तरफ टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है तो ऑलवेज याद रखना जो ट्रेड विंड है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी ट्रेड विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो जो प्रेशर सिस्टम है वो और वहां पर विंड सिस्टम के कारण भी उस एरिया का क्लाइमेट पर इंपैक्ट होता है क्योंकि वहां पर रेनफॉल आपकी जो मानसून का इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि किस किस कारण से किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट पड़ता है ठीक है समझ रहे हो चीजों को अब हम आगे आते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम एल्टीट्यूड ये पॉइंट आपको समझ में आया अब आगे आइए रहने दो मत पढ़ने दो किसी को मैं बोलता हूं मत पढ़ने दो फालतू की डिस्कशन करवा लो आप लोगों से मैं फिर बोल रहा हूं पागल हूं आप लोगों के लिए यहां आता हूं एक भी अगर अभी पता है अगर मैंने पूछा कि मैं एक्सप्लेन करूं टीचर बताए क्या होता है टीचर है ना सिर्फ दो स्टूडेंट देखता है जो मना करे और वो आगे निकल जाता है अभी है ना अगर तीस स्टूडेंट ने ना बोला कि नहीं एक्सप्लेन करो सिर्फ पांच स्टूडेंट ने बोला कि सर एक्सप्लेन कर दो उन पांच स्टूडेंट के लिए यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है बट आप लोग आके क्या करते हो फालतू की डिस्कशन करके चलते हो यार लोग बचते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने से फ्री में चीजों के साथ मैं आपको हजार बार बार बता रहा हूं कि इतने इस लेवल पर क्वालिटी कंटेंट आपको हजार बार समझा चुका हूं कि यूट्यूब से कितना कंटेंट आ चुका है मेरा डाउट है तो एक बार जाके देख लीजिए पर नहीं फिर भी चीजों के साथ है ठीक है अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी दैट मीन जो सी है जो जो स्टेट समुद्र के पास है वहां पर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है क्योंकि वहां पर जो मॉइस्चर लेके आती है ना ट्रेड विंड वो वहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और यही रीजन है कि जितने भी स्टेट हैं आप चाह देखिएगा चाहे केरला देखिएगा तमिलनाडु देखिएगा महाराष्ट्र कर्नाटका यहां पर या आंध्र प्रदेश यहां पर विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और यहां पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती रीजन है इन सी के कारण ये सी वहां पर एक मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं गर्मी में उनकी ट्रेडविन वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट वहीं पर अगर आप डेली में चले जाओ गर्मी में एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई है सर्दी में एक्सट्रीम लो है दिल्ली वाले तो बेचारे मरने ही है नॉर्थ इंडिया वाले जो लोग है ना वो सर्दी हो या गर्मी उन्हें मरना ही है गर्मी में इतनी गर्मी पड़ जाती है सर्दी में इतनी सर्दी पड़ जाती है वो चीज होती है तो यही रीजन है सी के के कारण कारण एक moderating effect आता है 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 जिसके वहां का का हो जाता है। तो सी के जो पास होते हैं पर पड़ता है। फिर है ओशियन करंट का ओशियन करंट का भी बहुत बड़ा रोल है कैसे रोल है अगर मैं आपके सामने बताऊं कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है समझने की कोशिश करना मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है रफली मैंने बनाया इस कॉन्टिनेंट के ये वाली जो एरिया है आपको मैंने रेड कलर से बनाया यहां पर ओशन करंट है मतलब ओशन का लार्ज फ्लो ऑफ ओशन वाटर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ओशन का वाटर मूव कर रहा है और ये ओशन करंट है और ये रेड कलर से क्या है वार्म करंट है वार्म करंट और वहीं पर अगर मैं ये डायरेक्शन है यहां पर क्या है एक मिनट रुकी जस्ट वन मिनट ठीक है यहां पर क्या है वार्म है अब वहीं पर एक ओशन करंट यहां से जा रहा है और यह है कोल्ड ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट यहां का जो टेम्परेचर है इस कोल्ड ओशन करंट के कारण ठंडा होगा और यहां पर इस वार्म करंट का इंफ्लुएंस इस एरिया पर भी होगा तो दैट मीन्स ओशन करंट का भी बहुत बड़ा रोल है समझ में आ गया क्लियर है क्लियर है किसी को भी अब हम बात करते हैं रिलीफ फीचर रिलीफ फीचर मतलब कि उस एरिया में प्लेन एरिया है उस एरिया में माउंटेन है उस एरिया में प्लेट्यू है इस कारण से भी इफेक्ट पड़ता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा ये छह फीचर्स हैं जिससे क्लाइमेट पर इंपैक्ट पड़ता है एल्टीट्यूड लेटीट्यूड ये सारी चीज़ें अब हम आते हैं इंडियन मानसून के ऊपर ये चीज़ याद रखना और फटाफट जल्दी से मैं चीज़ों को समझाता हूं और एक बार आप चीज़ों को समझिए इंडियन मानसून का अब ऐसे समझेंगे ना अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडियन मानसून जो है मतलब क्या है कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट किस किस कंट्री में देखने को मिलता है तो आप बताओगे सर इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के अंदर साउथ ईस्ट चाइना के अंदर एंड सम पार्ट ऑफ जापान जो पार्ट है वहाँ पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है अब वहीं पर इंडिया में भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है सर इंडिया में रेनफॉल होती है कभी कैसी रेनफॉल होती है कभी कैसी रेनफॉल होती है आप मुझे बताओगे कि क्या चीज़ होती है एक बार कोई कोई स्टूडेंट फटाफट जल्दी से बताइए एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन मी अबाउट की किस किस टाइप से कैसे कैसे चीज़ें होती है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारे टाइप ऑफ मानसून कैसा है क्या क्या चीज़ें है आप परेशान मत हो ये मैं एक एक चीज आपके सामने रखने वाला हूं देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं क्या कंडीशन हो रही है Guys, एक आई टी सीजेड अगर आपने पढ़ा होगा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं आइए समझिए उन चीजों को फटाफट जल्दी से जाना मत आधे घंटे मत जाना उसके बाद जिंदगी में कभी क्लाइमेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मैं बता रहा हूं लाइक like, शेयर करते रहिए ठीक है।, है फाइन आइए अब हम बात करते हैं क्या होता है देखिए गाइस आपको मैंने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी हमेशा याद रखना कि अगर ये हमारी अर्थ है समझना इस अर्थ के ये इक्वेटर है और यहां पर अगर आप नॉर्थ में आओगे दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ठीक है और ये वाला रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का तो हमेशा आपको पता होगा कि अगर ये सन है तो सन की रेज कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होती सन की रेस कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर की तरफ डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होती यह पॉइंट आपको याद रखना है ना नॉर्थ ना साउथ में सन की रेस कैसे करती है देखो सन का मूवमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करना अगर मैं बात करूं मेरी आपको रेड लाइन दिख रही होगी एक बार कोशिश करना इस रेड लाइन को देखने की सर इट इट इज नेसेसरी टू यूज योर कोड देखिए कुछ भी करिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे कोड से क्या होगा कि आपको मेरे एंड से मेंटरशिप मिलेगी गाइडेंस मिलेगी एंड हंड्रेड एंड टेन परसेंट मिलेगी बोल रहा हूँ ये नहीं होगा बोलने के बाद मिलेगी भी कैसे चीजें करनी है कैसे पढ़ना है वो सब चीजों में हेल्प होगी आपको मेरे एंड से कैसे बुक्स कौन कौन से सब्जेक्ट है किसी में भी चाहे पॉलिटी हो हिस्ट्री हो सब में मेरे एंड से आपको हेल्प होगी ये बेनिफिट होता है डिस्काउंट मिलेगा प्लस एक्सटेंशन मिलेगा इसीलिए बोल रहा हूं टू थ्री ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना अगर न्यू स्टूडेंट हो फिर बाद में बोलो छह महीने बारह महीने का लेके कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से मैं बोल रहा हूं अब देखिए यहां पर देखिए ये आपको रेड कलर का इक्वेटर दिख रहा है तो यहां पर जो सन है ना वो हमारी किस तरीके से रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ अभी क्या है कि ये सन है तो सन के सामने यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं ये ड्रॉ क्या यहां पर ये लाइन देखिए ये लाइन मानिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है तो क्या होगा गाइस हमारी जो अर्थ है समझना पॉइंट बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं एक बार यहां पर ये सन है और इस सन के चारों तरफ हमारी अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है एक बार यहां पर आएगी एक बार यहां पर आएगी एक बार ये अर्थ की पोजीशन बना देता हूं मैं ये अर्थ की पोजीशन है ये अर्थ की पोजीशन है याद रखना ठीक है ये बीच में क्या है ये सन है ठीक है यहां पर अर्थ है तो रिवॉल्व कर रही है तो जब हमारी अर्थ इस तरीके से सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्व करते वक्त ये वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सन के सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब डायरेक्टली पड़ेगी वो पड़ती है आपकी जून में अराउंड 22 जून के, अप्रोक्स। 21 जून के अप्रोक्स आपकी सन की रेस डायरेक्टली कहां पर पड़ेगी सर डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी और अब याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सन की रेज नहीं जाएगी सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं जाएगी अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज कब

जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर पर सितंबर पर फिर दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर फिर रिवॉल्व करेगा और फिर हमारी सन की रेस डायरेक्टली कहां पर आ जाएंगी सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ेंगी और ये पड़ेंगी मार्च पे तो दैट तो 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 मींस मार्च पर पड़ने के बाद यहां पर आ गई फिर हमारी अर्थ रिवॉल्व करेगी और फिर जून पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर रिवॉल्व करेगी फिर सितंबर पर इक्वेटर पर फिर रिवॉल्व करेगी सदन हेमिसफेयर पर पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर फिर उसके बाद इक्वेटर पर इस तरीके से हमारी सन की रेस पड़ती है बट मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है क्या पढ़ा है कि सन की रेज जो है ना वो मार्च में पड़ रही है इक्वेटर पर समझना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं सन की रेज मार्च में पड़ रही है इक्वेटर पर उसके बाद जून में पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इससे ऊपर नहीं जा रही है फिर सन नीचे आ रहा है सितंबर पर दोबारा पड़ रही है और उसके बाद दिसंबर पर यहां पर पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर फिर नीचे नहीं जा रही है फिर दोबारा ऊपर जाएगी मार्च पर फिर मार्च के बाद जून में जून के बाद सितंबर सितंबर दिसंबर इस तरीके से हमारा सन हमेशा डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में इसी एरिया में इसी वजह से यहां पर जो कंट्री जो कंट्री इन ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करती है उनको ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली पड़ती है बिटवीन द ट्रॉपिक्स पड़ती है और वहां पर डायरेक्टली पड़ने के कारण टेम्परेचर हाई होता है इसी वजह से वहां पर हम उनको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं ठीक है थीके? ये चीजें आपको समझ में आ गई तो क्या होगा यहां पर यह है इक्वेटर समझना पॉइंट अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं इसको समझिएगा अभी क्या हो रहा है कि जो सन की रेज है समझने की कोशिश करना ये यह यहां पर इक्वेटर है और अगर आपने ड्रॉ की होंगी चीजें आपको पता होंगी तो ये वाली लाइन जस्ट एक मिनट और दीजिए आप मुझे ये वाला यहां पर ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या है कैंसर है कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इक्वेटर है और इसके नीचे इधर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे यहां पर ये वाली लाइन और नीचे कर सकते हो दिख नहीं रही है बट मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन को लिख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ठीक है समझ रहे हो अब क्या होगा कि जो सन की रेज है समझने की कोशिश करना मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपकी जो सन की रेज है ना हमेशा याद रखना कि वो अराउंड एक पॉइंट लिख रहा हूं डिग्री मंथ के अंदर जो सन की रेज है ना वो एक मंथ के अंदर एट डिग्री मूव करती है मतलब अगर आज इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है तो और सन का मूवमेंट नॉर्थवर्ड हो रहा है तो आफ्टर वन मंथ जो सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी वो एट डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ेगी उसके नेक्स्ट मंथ वो सिक्सटीन डिग्री लैटिट्यूड पर आ जाएगी उसके नेक्स्ट मंथ वो ट्वेंटी फोर डिग्री लैटिट्यूड पर आ जाएगी तो एक महीने में सन की जो रेज है वो आठ डिग्री मूव करती है ये चीजें आपको याद रखनी है ठीक है अब क्या हुआ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अब सन की रेस अगर मैं आपसे बात करता हूं सन की रेस कहां पर पड़ रही है सन की रेस पड़ रही है डायरेक्टली कहां पर मैं बोल रहा हूं फरवरी का मंथ चल रहा है फरवरी में इक्वेटर पर सन की रेस मार्च कहां पर होती है इक्वेटर पर होती है मार्च में फरवरी में दैट मीन सन की रेस यहां पर होंगी फरवरी में सन की रेज यहां पर होंगी और फरवरी में सन की रेज यहां पर होंगी दैट मीन्स ये वाला एरिया जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है यहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी पॉइंट टू बी नोटेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आपने प्रेशर बेल्ट पढ़ा हो तो ये क्या है ये वाली कौन सी प्रेशर बेल्ट है आप बताइए मुझे कौन सी प्रेशर बेल्ट है यहां पर जो मैंने पढ़ाई है यहां पर ये है आपकी कौन सी टेम्परेचर किस टाइप का है यहां पर ये हाई प्रेशर बेल्ट है याद रखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आसपास वाला एरिया है जो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट है इट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नदन हेमिसफेयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसके नीचे क्या है सदन हेमिसफेयर में यहां पर भी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है सदन हेमिसफेयर में और बीच में इक्वेटर वाली कौन सी है ट्रॉपिकल लो प्रेशर है इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इक्विटोरियल लो प्रेशर ठीक है ये आपको पता होगा तो इक्विटोरियल लो प्रेशर इक्वेटर पर सन की रेज जब डायरेक्टली पड़ेंगी तब वो इक्विटोरियल लो प्रेशर है बट याद रखना जहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेगी वहां पर टेम्परेचर कैसा है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और मैंने बताया था जहां पर टेम्परेचर हाई है दैट मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर प्रेशर लो होगा याद रखना यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस भी एरिया का टेम्परेचर हाई है उस एरिया का प्रेशर लो होगा यह चीज याद रखना लाइक शेयर करते हुए याद रखना ठीक है जिस भी एरिया का टेम्परेचर हाई है उस एरिया का प्रेशर लो होगा याद रखना ठीक है समझ में आया किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी जिस एरिया का टेम्परेचर हाई है वहां पर प्रेशर लो होगा तो सन की रेज कहां पर है फरवरी में यहां पर है अराउंड कहां पर आपका एट या टेन डिग्री के अप्रॉक्स पड़ेगी सन की रेज यहां पर पड़ रही है तो जहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर हाई होने से क्या हो जाएगा प्रेशर लो हो जाएगा तो इस टेन डिग्री लैटिट्यूड पर क्या है लो प्रेशर है क्या चीज है गाइस सन लो प्रेशर है और याद रखना लो प्रेशर क्या है एक चीज बताता हूं आई के बारे में एक ट्रम याद रखना दैट इज एक ट्रम फिर मैं आपके सामने बता रहा हूं दैट इज क्या होता है कैसे लाई करता है कैसे वर्क करता है उस पर एक बार फटाफट जल्दी से आइए मेरे साथ फिर आप कंसेप्ट को और ईज के साथ समझोगे यहां पर आइए इस वाले एरिया में आइए आप सब चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे इस फिगर पर आइए एक बार यहां पर देखिए दिस इज द इक्वेटर ये इक्वेटर है उसके नीचे आई टी सीजन नीचे है फेब में दैट मीन यहां पर क्या है लो प्रेशर है सन की रेज डायरेक्टली फरवरी में इक्वेटर से नीचे है तो सन की रेज यहां पर है तो आई टी सीजन भी यहां पर है अब क्वेश्चन बनेगा सर ये आई टी सीजन क्या है हमें ये समझा दीजिए एक बार फिर हमें चीजें समझ में आएंगी तो अब मेरा बात सुनो आई टी सीजन क्या होती है याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा याद रखना अब कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर मत चले जाना कि सर पी वीकल टू एन आर टी दैट मीन प्रेशर इज डायरेक्टली द आइडियल गैस और याद रखना कोई भी चीज आइडियल नहीं होती ना आप हो ना मैं हूं ना कोई है ठीक है याद रखना इस चीजों के बारे में नथिंग इज आइडियल ठीक है ओके तो हमने ये बात आपके सामने कर ली है ओके okay, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं आई टी क्या होती है आई टी आई टी से आई का मतलब है इंटर टी का मतलब है ट्रॉपिकल जेड सी का मतलब है कन्वर्जन और जेड का मतलब है जोन दैट मींस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसका मतलब क्या है कि अगर सर आपने ट्रॉपिक्स बनाए हैं ट्रॉपिक्स कैंसर और कैप्रिकोन इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन दैट मींस इन दो एरिया के बीच का कन्वर्जन जोन है किस चीज का कन्वर्जन जोन है सर यहां पर जिस भी एरिया में सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी याद रखना जिस भी एरिया में सन की रेस डायरेक्टली पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर हाई होगा और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा और सर जैसे ही उस एरिया में प्रेशर लो होगा यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आसपास एरिया में क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अब वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहां पर आएगा इस लो प्रेशर की तरफ आएगा इस लो की तरफ आएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्योंकि जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है और वहीं है, कहां पर, जाएगी? ये इस वाले पर आने की कोशिश करेगी तो दैट मीनस ये क्या है लो प्रेशर जहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेगी वहां पर टेम्परेचर हाई लो प्रेशर और जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहीं पर आई टी सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा आई टी सीजन कुछ नहीं है एक इमेजनरी लाइन है आई टी सी जेड क्या है एक इमेजनरी लाइन है वो इमेजनरी लाइन जहां पर लो प्रेशर है सन की रेज जहां पर भी डायरेक्टली पड़ेंगी वहां पर कोई लाइन थोड़ी ना ड्रॉ हो जाएगी अर्थ के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी इमेजनरी लाइन है दैट मींस वो अर्थ के के ऊपर ऊपर जिस जिस भी पर, जिस भी एरिया पर लैटिट्यूड सन की रेस लंबवत होंगी या बोलोगे आप डायरेक्टली पड़ेंगी तो वहां पर टेम्परेचर हाई होगा और जहां पर टेम्परेचर उसका उल्टा प्रेशर प्रेशर लो हो जाएगा और उस लो प्रेशर पर हाई प्रेशर से जो विंड है वो आकर कन्वर्स करेंगी तो हाई प्रेशर से कहां पर आएंगी लो प्रेशर के ऊपर नीचे से हाई प्रेशर पर से लो प्रेशर ऊपर से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सब ट्रॉपिकल वाली वो लो प्रेशर पर आएंगी नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हाई प्रेशर लो प्रेशर पर तो यहां पर आकर कन्वर्स हो जाएंगी और जब यहां पर आकर कन्वर्स होंगी तो यहां पर कुछ ना कुछ तो करेंगी ना बारिश करेंगी अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी जब आएंगी तो इस वजह से सारी चीजें होंगी तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से बना अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं अब ये तो बात हो गई यहां पर आपके ठीक है ये बात हो गई यहां पर और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब क्या हुआ सर फरवरी में इक्वेटर से नीचे है मार्च में यहां पर आ गई सन की रेज मार्च पे इक्वेटर पर आ गई तो दैट तो दीन्स तो अगर मार्च पर इक्वेटर पर सन की रेज पड़ रही है तो आई टी सीजन भी सन के साथ साथ मूव करती जा रही है आई टी सीजन भी सन के साथ साथ मूव करती जा रही है मार्च में यहां पर आ गई अप्रैल में सन ने ऊपर की तरफ चला अप्रैल में सन यहां पर आ गया अप्रैल में सन यहां पर आ गया टेम्परेचर इस एरिया में हाई होगा टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर टेम्परेचर हाई प्रेशर लो अब प्रेशर लो होगा तो सर यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है वो अब यहां पर जो यहां पर कन्वर्स कर रहा था जो यहां पर कन्वर्स कर रहा था अब वो इस वाले एरिया में कन्वर्स करने लगेगा क्योंकि अब लो प्रेशर बेल्ट यहां पर बन चुकी है जो यहां का हाई प्रेशर था वो इस एरिया पर कन्वर्स कर रहा था अब वो ऊपर आके यहां पर आकर कन्वर्स करने लगेगा तो जो आई टी है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है क्यों शिफ्ट हो रही है क्योंकि सन का मूवमेंट भी शिफ्ट हो रहा है जहां जहां सन मूव करेगा वहां वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा और जहां जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहां वहां पर आपकी आईटी सीजर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वहां पर लो प्रेशर होगा और उस लो प्रेशर पर हाई प्रेशर आकर कन्वर्स करेगा और जब हाई प्रेशर कन्वर्स करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहां पर विंड्स आएंगी और जब विंड्स आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आएंगी और मानसून भी आएगा अब मैं आपके सामने एक दो चीज और अच्छे से करता हूं समझ में आ गया अब आते हैं आगे की तरफ एक दो चीजें और समझिए फटाफट जल्दी से बहुत अच्छे से यहां पर आप चीजों को समझ गए होंगे अब क्या हुआ समझने की कोशिश करना अब मैं बात करता हूं समर सीजन की समर सीजन में समझना पॉइंट बहुत अच्छे से समझना जून में सन की रेस कहां पर आती है जून में सन की रेज आ जाती है इंडिया के सेंटर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो वहां पर ना आके आप एक बार मेरे साथ यहां पर आइए और चीजों को समझिए बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से एक मिनट रुक जाइए जल्दी से फटाफट यार कहां पर कुछ लगाया नहीं क्या मैंने लगाई तो थी ये रही बिल्कुल सही बात है छोड़ो आइए फटाफट कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी कैसे देखिए समझना पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आइए पीछे आ जाइए अब क्या हुआ आइए 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 यहीं पर आ जाइए पीछे की तरफ यहां पर आ जाइए पीछे की तरफ अब आइए इधर की तरफ देखिए ये आई टी सीजेड अभी आपको कहां पर ये जो लाइन दिख रही है ना ये आई टी सीजेड दिख रही है आई टी सीजर की लाइन दिख रही है अब आपको दिख रहा होगा सर ये आई टी सीजर ऊपर नीचे क्यों है इस तरीके से क्यों बनी हुई है इस तरीके से यूं बनी हुई है कि जो आपका लैंड और वाटर है ना इसकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है मतलब कि जो हमारा लैंड है ना वो जल्दी ही गर्म हो जाता है जल्दी ही ठंडा हो जाता है वहीं पर जो वाटर है वो देर में ही गर्म होता है देर में ही ठंडा होता है मतलब अगर सन की रेज इस वाले एरिया में पड़ रही है इतने एरिया में तो यहां पर लैंड जल्दी गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा वहीं पर वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा इसका टेम्परेचर कम होगा तो पर यहां पर आई टी सीजन यहाँ पर है तो याद रखना जो आई टी सीजन है ना वो टेम्परेचर के कारण लैंड और आपका जो वाटर है उसके कारण आपका जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर टेंपरेचर क्या है सन की रेस पड़ रही है सेम लैटिट्यूड पर बट लैंड जल्दी गर्म होगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा बट वाटर कम गर्म होगा तो अभी यहां पर आईटी सीजन नीचे की तरफ है आपके इस वाले एरिया में ठीक है अब आप एक चीज समझिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं हम हमेशा एक बात करते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ द जून फर्स्ट वीक ऑफ़ द जून जो हमारा मानसून है वो केरला के तट पर आ जाता है फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है एट द फर्स्ट वीक ऑफ द जून जो मानसून है वो केरला की तट पर क्यों आ रहा है केरला की कोस्ट पर क्यों आया पूरे इंडिया में रेनफॉल क्यों नहीं हुई ये मुझे बताइए फटाफट फठ जल्दी से चलो इसको समझाने से पहले मैं एक बार एक चीज आपको समझाता हूं अब पता है क्या होता है देखो हमेशा याद रखना मैंने कुछ चीजें आपको समझाई हैं बहुत अच्छे से समझाई हैं तो आप उन चीजों को समझना देखना क्या हुआ समझना बहुत अच्छे से कि सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो अप्रैल के अप्रोक्स में जो अप्रैल है आपने सुना होगा अप्रैल है मे है इस टाइम पर क्या होता है कि हमारा लैंड गर्म होना स्टार्ट स्टार्ट हो स्टार्ट हो 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 जाता जाता है है लैंड होना होना इट मींस का हाई जाएगा अप्रैल और मे के अप्रोक्स में मार्च मार्च के बाद सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा और जैसे ही सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो हमेशा याद रखना कि जैसे ही सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा हमारा सन के मूवमेंट ऊपर होने से लैंड और वॉटर गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे बट लैंड गर्म जल्दी होता है मैंने अभी आपको क्या बताया? एक ट्रम होती है specific heat. Specific heat है स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। हीट ना जो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट गर्म करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है तो लैंड को गर्म करने के लिए कम हीट की जरूरत है तो जब इसको गर्म करने के लिए कम हीट की जरूरत है तो ठंडा भी तो फिर जल्दी हो जाएगा ना ये और वहीं पर जो वाटर है इसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है गर्म होने के लिए और जब ये गर्म होने के लिए ज्यादा हीट लेगा तो ठंडा भी देर में होगा क्योंकि इसने ज्यादा हीट को एब्सॉर्व कर लिया उसको रिलीज भी तो करेगा तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है ड्यू टू दैट स्पेसिफिक हीट वहीं पर जो वाटर है वो देर में ही गर्म होगा और देर में ही ठंडा होगा ये चीज याद रखना अब क्या हुआ अप्रैल के अप्रोक्स में अप्रैल मई में टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सन ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब सन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर लैंड टेम्परेचर हाई होगा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आपकी अरेबियन सी और ऑफ अरेबियन सी में छोटी छोटी रिवर्स आके ड्रेन कर रही हैं, तो यहां पर फ्रेश वाटर आ रहा है इस वाले एरिया में प्लस यहां का टेम्परेचर भी कम है तो यहां का क्या होगा यहां पर टेम्परेचर हाई था वॉटर का टेम्परेचर लो होगा वॉटर का टेम्परेचर लो होगा यह चीज याद रखना ठीक है वाटर का टेम्परेचर लो होगा अब वाटर का टेम्परेचर लो हो गया तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा प्रेशर हाई होगा प्रेशर कैसा होगा हाई होगा वहीं पर जो लैंड है यहां का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा प्रेशर लो होगा वहीं पर जो ऑफ बंगाल है अगर आप बेओ बंगाल पे देखोगे चीजों के साथ तो आप नोटिस करोगे कि बेओ बंगाल में बहुत सारी मेजर रिवर कृष्णा गोदावरी कावेरी ये सारी ड्रेन हो रही है उसी के साथ साथ आपकी ब्रह्मपुत्रा गंगा फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर आके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है ड्रेन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर घटेगा और पानी आपको पता है देर में गर्म होता है तो वैसे ही टेम्परेचर लो होगा यहाँ पर भी टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है प्रेशर हाई है अभी मैं मानसून की बात नहीं कर रहा हूं फिर आपसे बोल रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मानसून मैं मानसून से पहले एक शावर होते हैं जिनको बोलते हैं प्री मानसून सावर जिनको बोलते हैं प्री मानसून सावर आपने प्री मानसून सावर के बारे में सुना होगा दैट मीन्स मानसून में जो रेनफॉल आती है उससे पहले उससे पहले जो शावर आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है उससे पहले जो आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी फिर मैं और आपके सामने आगे आता हूं चीजों को डिस्कस करने के लिए तो अब क्या होगा मैंने बताया था कि जो ट्रेड विंड्स है वो ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी तो यहां पर क्या है प्रेशर क्या है हाई है यहां पर क्या है प्रेशर है हाई लैंड क्या है गर्म है प्रेशर है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये विंड ने चलना स्टार्ट कर दिया सेम यहां पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलना स्टार्ट कर दिया पहले ही मानसून नहीं आया अभी पहले से ही तो याद रखना मानसून आने से पहले जब इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड मूव करती है तो प्री मानसून शावर होते हैं तो अगर आप देखोगे कर्नाटका में इधर की तरफ ये रेनफॉल होगी और इस रेनफॉल को बोलते हैं मैंगो शावर मैंगो शावर मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं जो यहां पर मैंगो की मैंगो के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये शावर उसी के साथ साथ आप केरला के तट पर देखोगे तो यहां पर एक और रेनफॉल होगी जिसको हम बोलते हैं चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम के नाम से आपने ब्लॉसम सावर के बारे में सुना होगा बहुत लोगों ने ब्लॉसम सावर तो ये क्या है ये मानसून के आने से पहले की रेनफॉल है तो इसको क्या बोलेंगे चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर यहां पर ये मैंगो शावर केरला के इसमें ब्लॉसम शावर कर्नाटका में मैंगो शावर वहीं पर अगर आप यहां पर भी यही कंडीशन है तो यहां पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो यहां पर अगर आप वेस्ट बंगाल वाले एरिया में देखोगे तो यहां पर उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में यहां पर आपको काल बैसाखी दिखेगी काल बैसाखी दैट मीन यहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है विद स्ट्रॉ के साथ आंधी तूफान के साथ काल बैसाखी बोलते हैं यहां पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले पार्ट में होगी उसी के साथ साथ जब ये ऊपर की तरफ यहां पर ये यह आपका बांग्लादेश है बट बांग्लादेश में कोई रिलीफ फीचर नहीं है उसको क्रॉस करते हुए ऊपर आसाम में जाएंगी और आसाम में एक रेनफॉल होगी जिसको बोलते हैं बरदोली 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 चीरा के नाम से सुना होगा आपने बरदोली चीरा तो वो आपका प्री मानसून सावर है आसाम में होगी बर्दोली चीरा प्री मानसून सावर आसाम में होगी काल बैसाखी वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले में प्री मानसून सावर और वहीं पर कर्नाटका में होगी आपकी मैंगो शावर और केरला में ब्लॉसम सावर तो ये क्या है प्री मानसून सावर है ये आपको पता लग गया किस वजह से हुआ किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए ठीक है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किस टाइप की शावर है मैं यहां पर रब कर रहा हूं कोई दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा से नेक्स्ट जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो रिवाइंड करके दोबारा देखना मैं पढ़ा रहा हूं मैं खुद पढ़ा रहा हूं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस न्यू हो तो आपको पांच से छह बार जाके ये कंसेप्ट समझ में आएंगे अगर आप बिल्कुल न्यू हो मैं ये अपनी तारीफ नहीं करूंगा कि मेरे पढ़ाते ही समझ में आ जाएगा पांच से छह बार जब आप इंडियन क्लाइमेट के साथ साथ चीजों को पढ़ोगे तब आप सब चीजों को लिंक कर पाओगे जितना समझ में आ रहा है आपको बहुत समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी ठीक है यहां तक चीजें क्लियर हो गई फिर मैं आगे आता हूं फटाफट ज्यादा टाइम का नहीं है यहां पर मैं आगे, आगे आपके सामने समझ समझाने के लिए आता हूं चीजों को मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना आप उस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना क्योंकि तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मैं इतने डिटेल में चीजें पढ़ा रहा हूं ना एक एक चीजें प्री मानसून सावर कैसे आते हैं क्या रीजन है आने का वो सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तो आप हर चीज में परफेक्शन होने चाहिए ज्योग्राफी से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा बट याद रखना ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक मेरे पास दिन में सौ मैसेज और कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबकी पॉसिबल नहीं हो पाती हजारों में मैसेजेस हैं जिसमें से रेगुलर फिफ्टी से सिक्सटी मैसेजेस पढ़ता हूं तब भी मैसेज पेंडिंग रह जाते हैं मेरे क्योंकि बहुत आते हैं जोग्रफी सबसे बड़ा हवा है स्टूडेंट के सामने याद रखना स्टूडेंट जोग्राफी को क्लास अटेंड करने से पहले बोलते थे कि सर उठाने का मन नहीं करता था ज्योग्राफी और आज जोग्राफी पढ़ने का सबसे ज्यादा मन करता है ठीक है ओके ओशनोग्राफी सब कुछ करवा दूंगा आप बने तो रहिए मेरे मैं इसलिए बोल रहा हूं चीजों को और डिटेल में कवर करना फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स नाइनटीन से स्टार्ट हो रहा है नाइनटीन नवंबर से अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर आ जाइए सभी स्टूडेंट जो भी लेना चाहते हो जिसका मन है कोई जबरदस्ती नहीं है मन है आइए चीजों को स्ट्रक्चर करना है वेल प्लान मैनर में करना है बहुत अच्छे से करना है जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ बिना मेरे मांगे अपने आप डाउनलोड कर सकते हो इकोनॉमिक्स पॉलिटी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट वहां पर होंगे एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे एजुकेटर है जिससे पढ़ना है जैसे पढ़ना है आपकी मर्जी है ठीक रखना ठीक है समझ रहे हो अब आते हैं आगे की तरफ चीजों को समझने की ये बात हो गई प्री मानसून सावर अब क्या होता है गाईस? हमारी सन का मूवमेंट हो रहा है सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा अब फर्स्ट वीक ऑफ द जून सन की रेस कहां पर पड़ेगी समझना मार्च में इक्वेटर पर थी फर्स्ट वीक ऑफ द जून सन की रेस कहां पर पड़ेगी सन की रेस पड़ेगी डायरेक्टली केरला की टिप पर जून के अप्रोक्स सन की रेस केरला की टिप पर पड़ेगी रला की टिप पर पड़ेगी तो टेम्परेचर यहाँ पर ये वाला एरिया है जो यहाँ पर ये वाला एरिया है सन की रेज डायरेक्टली इस वाले एरिया पर पड़ेगी अब सन की रेज जब यहाँ पर पड़ेगी अभी मैं आपको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ सन की रेज कहाँ पर पड़ रही है सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है अब सन की रेज डायरेक्टली फर्स्ट वीक ऑफ द जून में यहाँ पर पड़ेगी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा होगा प्रेशर लो होगा और ITCZ का मतलब क्या होता है आई टी एक वो लाइन है जो इमेजनरी लो प्रेशर लाइन है जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहीं पर आई टी होगी यहां पर लो प्रेशर है तो नीचे का जो हाई प्रेशर है वो आएगा यहां पर हाई प्रेशर आएगा हाई प्रेशर आएगा नीचे से और हमारी अर्थ क्या करती है अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है एंड ड्यू टू दैट रोटेशन एक फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम है कॉरलिस कॉरलिस फोर्स क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नदन हेमिसफेयर में है उसको राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देती है और सदन हेमिसफेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करती है लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देती है याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नदन हेमिसफेयर में इस तरीके से जा रहा है उसको राइट वर्ड मोड़ देगी और अगर सदन हेमिसफेयर में ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा इसको लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन कर देगी नदन में राइट और सदन में लेफ्ट कॉरलिस फोर्स और वो किस कारण से होती है जो हमारी अर्थ रोटेशन करती है रिवॉल्व होने के कारण नहीं रोटेशन होने के कारण फोर्स जिसके कारण क्या होगा यहां पर लो प्रेशर है नीचे का हाई प्रेशर है नीचे का हाई प्रेशर जा रहा है इस तरीके से बट कॉर्स फोर्स क्या करती है इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर देती है कॉर्लिस फोर्स क्या करती है यहां से ये जा रहा है इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर देती है और जब इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रेडविंड है ना साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है इसी वजह से हम इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून क्यों क्योंकि हमारी ट्रेडविंड हमें ऐसा लगता है कि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है समझ में आ गया ट्रेडविंड क्या लगता है फेरलो बिल्कुल सही बात है साउथ वर्ड डायरेक्शन में इसको मोड़ देती है 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 तो यहां यहां पर जो ये आपकी सन की रेज लो प्रेशर प्रेशर इस पे यहां से हाई आके कन्वर्स होगा और ऊपर का हाई प्रेशर भी आके कन्वर्स तो यहां से जब हाई प्रेशर आके कन्वर्स होगा तो ये ट्रेडविंड आ रही हैं और जब ये ट्रेडविंड आएंगी वाटर से यह ट्रेडविंड आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर भी तो लेके आएंगी ना पानी के ऊपर से आ रही है तो मॉइस्चर लेके आएंगी और उस मॉइस्चर को यहां पर आने के बाद यहां पर आने के बाद ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी एक तो बन जाएगी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बन जाएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच और केरला की टिप पर फर्स्ट वीक ऑफ द जून में मानसून आना स्टार्ट हो जाएगा हम हमेशा बात करते हैं मानसून के बारे में अब आइए आगे की तरफ अब आइए आगे की, की तरफ एक बार फटाफट जल्दी से यार कहां चले गए वो चीजें मैंने एड ऑन तो की थी ये रहा अगर आप देखोगे फर्स्ट वीक ऑफ द जून मानसून कहां पर है केरला की टिप पर पांच जून पर कर्नाटका में आ जाएगा दस जून के अप्रोक्स महाराष्ट्र में चला जाएगा पंद्रह जून के बाद जुलाई तक जून तक यहां पर और उसके बाद फिर जुलाई तक पूरे इंडिया में चला जाएगा रीजन पता है क्यों क्योंकि सन ऊपर जा रहा है सन ऊपर जा रहा है तो लो प्रेशर ऊपर बन रहा है लो प्रेशर अगर यहां पर बनेगा लो प्रेशर यहां पर बनेगा तो आपको पता है हाई प्रेशर की ट्रेडविंड ऊपर की तरफ आएंगी यहां पर और जब ऊपर की तरफ हाई प्रेशर की ट्रेडविंड आएंगी तो रेनफॉल इन एरियाज में होगी तो रेनफॉल हमेशा इस तरीके से मूव करती है सबसे पहले केरला फिर ऊपर की तरफ जाएंगी एक ब्रांच इधर की तरफ चली जाएगी और एक ब्रांच इधर की तरफ चली जाएगी ये चीजें याद रखना ठीक है तो अब क्या होगा अब समझने की कोशिश करना अब यहां पर आइए फटाफट फटाफट जल्दी से आइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके सामने एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए ओके यहां पर आइए इस वाले एरिया में आ जाइए चलो आप भी क्या याद रखोगे अब क्या हुआ अब क्या हुआ समझना अब क्या हुआ सन की रेस डायरेक्टली कहां पर पहुंच चुकी है इंडिया के सेंटर में पहुंच चुकी है सर की रेस की रेस कहां पर पहुंच चुकी है सन की रेस कहां पर पहुंच चुकी है पंद्रह मिनट का टॉपिक और है फिफ्टीन मिनट्स को ऑपरेट कर लीजिए बस फिफ्टीन मिनट्स। उसके बाद खत्म कर दूंगा ठीक है आप लोगों के लिए ही टाइम लग रहा है तो पंद्रह मिनट वेट कर सकते हो फिफ्टी मिनट से ज्यादा सत्रवा अठारवा मिनट नहीं लूंगा फिफ्टी मिनट्स में कवर करूंगा अब क्या हुआ टेम्परेचर यहां पर हाई है क्यों क्योंकि सन की रेस कहां पर पड़ रही है जून में सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल कर रही है 21 जून को अब क्या हुआ डायरेक्टली यहां पर सन की रेस पड़ेंगी तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और टेम्परेचर हाई होगा तो इंडिया का जो लैंड एरिया है यहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा अब यहां पर लो प्रेशर है अब यहां पर लो प्रेशर है तो ये वाला जो रीजन है यहां पर तो विंटर होगी ना क्योंकि सर इस जगह है तो यहां पर विंटर है तो यहां का टेम्परेचर लो होगा टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा प्रेशर हाई होगा अब इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करेंगे और यहां पर यह मस्क्रीन हाई है तो मस्क्रीन हाई पर क्या है हाई प्रेशर है अब इस हाई प्रेशर के कारण ये हाई प्रेशर कहां पर जाएगा लो प्रेशर की तरफ जा रहा है हाई प्रेशर इस तरीके से अब जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगा इक्वेटर को क्रॉस करती ही नदर हेमिसफेयर आ जाएगा ये इसको राइट डिफ्लेक्ट कर देंगी राइट व डिफ्लेक्ट करते ही यहां पर पहुंचेंगी केरला की टिप पर और एक ब्रांच यहां पर अरेबियन सी की और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बन जाएगी और यहां पर यह जो लो प्रेशर है ये इस हाई प्रेशर को अपनी तरफ खेचेगा और जैसे ही ये लो प्रेशर हाई प्रेशर को अपनी तरफ खेचेगा यहां पर केरल बिरला की टिप पर आके आपको ब्रांच डाइवर्ट हो जाएगी इधर की तरफ बना हुआ है वेस्टर्न घाट इधर की तरफ बना हुआ है वेस्टर्न घाट अब क्या होगा कभी भी याद रखना कि रेनफॉल तब होगी जब आपकी ह्यूमिडिटी 100 याद रखना हमेशा रेनफॉल तब होगी जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होगी 100 परसेंट तो अब यहां से ये ट्रेडविंड्स गई साउथ वेस्टर्न ट्रेडविंड्स अब यहां पर वेस्टर्न घाट आ जाता है अब पर वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट आगे है तो ये इसको आगे तो जाने नहीं दे रहा ये क्या करेगी वेस्टर्न घाट के साथ साथ ऊपर की तरफ राइस करना स्टार्ट कर देगी ऊपर की तरफ राइस करेगी तो टेम्परेचर घटेगा टेम्परेचर घटेगा याद रखना जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है टेम्परेचर ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऊपर जाने से हर एक, एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज़ तो क्या होगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 परसेंट दैट मीन्स जो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो फुल रीच कर जाएगी टेम्परेचर कम होती और जैसे ही ऊपर हंड्रेड पहुंचेगी कंडेंसेशन होगा क्लाउड का फॉर्मेशन बन जाएगा क्लाउड का फॉर्मेशन होते ही वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल हो जाएगी और वेस्टर्न पार्ट पर ही रेनफॉल होगी हो क्योंकि इस रीजन के इधर आपका ये वेस्टर्न घाट है यहां पर पहुंची राइस की रेनफॉल हो गई इस वाले पार्ट पर और हैवी रेनफॉल होती है और जब इधर की तरफ जाएगी इसके दूसरी साइड यहां पर ये विंड सारा रेनफॉल इधर कर देगी और ये वाली साइड ड्राई रहेगी दैट मींस इस वाली साइड को इधर वाली को क्या बोलेंगे लीवर साइड लीवर साइड और आप बोल सकते हो रेन शेडो एरिया दैट मीन्स यहाँ पर कम रेनफॉल होगी और इधर की तरफ बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होगी और आपकी जो रेनफॉल है केरला के अप्रोक्स यहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी और जैसे जैसे ऊपर महाराष्ट्र में सायद्री हिल्स तक जाओगे वहां पर दो सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने को मिलेगी और इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल दैट मीन्स माउंटेन के कारण जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके कारण ये रेनफॉल हुई उनके रेन कारण ये रेनफॉल हुई है तो यहां पर रेनफॉल हो जाएगी अब क्या हुआ वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में तो रेनफॉल हो गई जस्ट गिव मी वन मिनट आगे आइए फटाफट जल्दी से ज्यादा टाइम यहां पर खर्च नहीं करते अच्छे बच्चों की तरह आगे आइए अब क्या हुआ यहां पर ये वेस्टर्न घाट है और इस वेस्टर्न घाट के अंदर पासिस भी बने हुए हैं इस वेस्टर्न घाट के अंदर पासिस भी बने हुए हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है तो इसके अंदर पासिस भी बने हुए हैं तो पासिस बने हुए हैं तो क्या हो रहा है इन पहले तो वेस्टर्न घाट पर रेनफॉल कर दी बट कुछ इन पासिस के थ्रू अंदर एंटर कर रही है इन पासिस की तरफ अंडर एंटर तो ये अंदर इनर पार्ट पर भी पासिस के थ्रू रेनफॉल हो जाता है अब आप बोलोगे सर ये पासिस कैसे बन गए इस वेस्टर्न घाट में जब वेस्टर्न घाट टकराया नहीं था इंडिया से अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रिवर्स थी ना ये आपकी अरेबियन सी में जाके इधर की तरफ ड्रेन होती थी इस वाली साइड में ड्रेन होती थी वेस्टर्न पार्ट में रिवर्स तो उन्होंने कट करके पास बना दिए थे बट जैसे ही इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ ये टिल्ट हो गए तो टिल्ट होने से इसका स्लोप टूवर्ड द ईस्ट हो गया अब ये जो गोदावरी कृष्णा यहां पर जा रही थी वो रिवर अब इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दी ठीक है इसी के कारण से उन्होंने ईस्टर्न घाट में काफी सारे कट बना दिए गोदावरी कृष्णा कावेरी और जो ये रिवर्स है तो पासिस के थ्रू एंटर कर जाती हैं अंदर की तरफ तो उसके बाद ये समझ में आ गया अब ये ब्रांच आगे की तरफ जा रही हैं यहां पर आपको पता है विंध्या है तो विन्ध्यास सतपुरा माही ये वाला तापी वाला एरिया है यहां पर नर्मदा है तापी तो नर्मदा और तापी वाला जो पार्ट है यहां से ये ब्रांच अंदर की तरफ एंटर करती है और अंदर की तरफ एंटर करने के बाद यहां पर रेनफॉल करेंगे

गिर जेस अगर आप देखोगे कहां पर गुजरात में तो गिर के इधर रेनफॉल करेगी फिर इधर की तरफ जाना स्टार्ट होगी गिर के इधर वाले पार्ट पर रेनफॉल हो जाएगी इधर वाले पे नहीं होगी फिर क्या होगा आगे की तरफ जाएगी रन ऑफ कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला एरिया यहां से मॉइस्चर उठाएंगी यहां पर मॉइस्चर उठाएंगी तो यहां पर ये यह अरावली हिल्स है और अरावली हिल्स के इधर माउंट आबू है इधर माउंट आबू में भी अच्छी खासी रेनफॉल होगी जहां पर हाइएस्ट पीक गुरु शिखर है यहां पर अरावली की उसके बाद ये आगे जाएंगी फिर यहां पर आ जाएगा थार डेजर्ट बट थार डेजर्ट पर रेनफॉल नहीं हो पाएंगी क्योंकि अरावली हिल्स यहाँ होने के कारण ये इसके पैरेलल चली जाएंगी ये इसके पैरेलल चली जाएंगी और पैरेलल जाने से आगे की तरफ चली जाएंगी और आगे जाने के बाद जून जुलाई के बाद ये आपकी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इधर वाले एरिया में रेनफॉल करेंगी इस तरीके से अब क्या होगा इधर से आपकी जा रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है कि यहां पर साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी तो साइक्लोनिक कंडीशन होने के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी जिसके कारण यहां पर ये थोड़ी सी इधर की तरफ एंटर कर जाएंगी जो कावेरी रिवर वाला एरिया है जहां से वो गैप है ईस्टर्न घाट में उसके बाद जो कृष्णा रिवर वाला है गोदावरी वाला तो यहां पर आके अमरकंठक के पास आके ये रेनफॉल करेंगी इधर से आगे जाके ये सायद्री हिल्स वाला पार्ट है इधर रेनफॉल करेंगी इस तरीके से ये भी रेनफॉल करेंगी फिर आगे की तरफ जाएंगी सीधी अब ये बे बंगाल ब्रांच सीधी जा रही है तो क्या हो गया इधर की तरफ तो ईस्टर्न घाट है और इधर की तरफ अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो यहां पर है अर्कन युमा माउंटेन्स यहां पर क्या मिलेंगे अर्कन युमा माउंटेन्स याद रखना अर्कन युमा माउंटेन्स समझने की कोशिश करना अर्कन युमा माउंटेन्स तो अर्कन युमा माउंटेन्स इधर की तरफ आ गए और इधर आपके ईस्टर्न घाट है तो ये ट्रेड विंस क्या हो फंस जाएंगी, तो फंसने के कारण यहाँ पर एक फनिलिंग इफेक्ट बनेगा फनिलिंग इफेक्ट बनने के कारण ये इधर गई इधर तो यहां पर ये करने के कारण मेघालय में गैरो खासी जयंतिया तीन हिल है और गैरो खासी और जो ये खासी है ना इस खासी में वर्ल्ड के टू एरिया है जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है Monsignram और चेरापूंजी वो इसी खासी हिल्स में है और यहां पर फनलिंग इफेक्ट होने के कारण जो जो है ना ये माउंटेन की पीक्स हिल्स इनके बीच में फसके रह जाती है और जो ट्रेडविंड फसके फिर वहीं घूमती रहती है जिसके कारण वहां पर हैवी रेनफॉल होती है मोनसीन राम और चेरापूंजी जो खासी हिल्स मेघालय सिलोंग प्लेटू के अंदर लाई करता है जो पेनसुलर प्लेटू का पार्ट है उसी के साथ साथ यहां पर सूरमा गैप होता है इधर की तरफ और ये एंटर करके ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में अच्छी खासी रेनफॉल होती है फिर उसके बाद वापिस आके यहाँ पर ये इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन है नॉर्थ इंडियन प्लेन इधर से एंटर करती है बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और आगे जाके ये वाली ब्रांच इधर से आती है और इधर से जो ब्रांच है ये गैंगेटिक प्लेन में मिल जाती है और यहाँ पर ये ब्रांच ऊपर हिमालय वाले एरिया में मिलते हैं इसी वजह से यहाँ पर क्लाउड बस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्लाउड बस्ट याद रखना जब दो आपस में दो ट्रेडविंड्स मिलेंगी ना तो राइज होके वहां पर क्लाउड बस्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं जिसके कारण ये ट्रेडविंड दोनों जब मिलेंगी साउथ वेस्टर्न और आपकी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तो क्लाउड बस्ट की कंडीशन हो जाती है सेम इसी की तरह से जब ये वाली एंटर करती है और इधर से ये वाली एंटर करती है तो वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट पर भी आपको क्लाउड बस्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी ये भी आप याद रखना ठीक है क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी कैसे हमारी इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है कैसे हमारी इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है अब यह बात आ गई इसके बारे में अब हम बात करते हैं एक होता है हमारा विंटर में कैसे मानसून होता है विंटर में जो मानसून आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टरबेंस में क्या होता है यहां पर बहुत सारी कंडीशन है मानसून आने के लिए बहुत सारी याद रखिए मानसून इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमिना और बताया जाता है कि अभी तक सोलह से सत्रह फैक्टर्स ऐसे हैं जो मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत है मैं कभी बहुत डिटेल में जेट स्ट्रीम का रोल, अलग है, हाँ का लोग है, का है सदन ऑसिलेशन का अलग है इंडियन ओशन डाइपोर का अलग है उसके बाद मेडागास्कर के पास का अलग रोल है सोमाली जेट का अलग रोल है बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करती है और आज भी हम उसके बारे में डिटेल में पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है समझ में आ गया तो वहीं पर हम बात करते हैं एक है आपका मेडिक यहां पर मेडिटेरेनियन सी है तो मेडिटेरेनियन सी से जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो मेडिटेरेनियन सी से विंटर में अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है और मॉइस्चर लेने के बाद एक यहां पर आने के बाद एक ब्रांच तो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है और एक ब्रांच इंडिया में एंटर कर जाती है और याद रखना जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वेस्टर्न यूपी दिल्ली में जो विंटर में रेनफॉल होती है विंटर में हरियाणा पंजाब में जो विंटर में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है याद रखना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साउथ वेस्ट मानसून के कारण नहीं होती वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है और जिससे आपका राबी जो क्रॉप है राबी क्रॉप है मतलब जो विंटर में रेनफॉल होती है अब मैं बात करता हूँ रिट्रीटिंग मानसून के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स है वो अलग से मैं बात करूंगा अनलिनो लालिनो का सबका अब मैं बात करता हूं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में अब क्या हुआ सर जून में इंडिया पर थी अब वापस जाना स्टार्ट करेगी जून के बाद वापस गई वापस गई सितंबर तक इक्वेटर है इक्वेटर के बाद अक्टूबर में सदन हेमिस्फीयर में चली जाएगी अब सदन हेमिस्फीयर में जब पहुंच जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या होगा समझना सदन हेमिस्फीयर में सन की रेस डायरेक्टली पड़ेगी तो वहां पर टेंपरेचर हाई हो जाएगा प्रेशर लो हो जाएगा और वहीं पर अक्टूबर के टाइम पर आपको इंडिया की कंडीशन पता है इंडिया में क्या होता है विंटर सा आना स्टार्ट हो जाती है थोड़ा थोड़ा अक्टूबर नवंबर तो अक्टूबर के टाइम सन नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो यहां का टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा ट्रेडविंड कहां से कहां मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर और अब लो प्रेशर कहां बन चुका है सदन हेमोस्फेयर में अब ये बोल रही है भैया हमें जाना है वापस हमें जाना है वापस हम आपके पास आए थे हमें वापस भी जाना होगा हमें वापस भी जाना होगा तो अब ये क्या करेंगी वापस जाना स्टार्ट करती हैं रिट्रीट करना स्टार्ट करती है रिट्रीट मतलब वापस जाएंगी तो जो मानसून आया था अब वो विड्रॉल कर रहा है क्या कर रहा है विड्रॉल कर रहा है दैट मीन्स वापस जा रहा है तो याद रखना अब यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है लो प्रेशर की तरफ तो अब ये क्या करती है अब ये रिट्रीट करना स्टार्ट करती हैं वापस जाना स्टार्ट करती हैं वापस जाना स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती हैं तो अब ये वापस जा रही हैं सर विंटर में तो रेनफॉल क्यों नहीं हो रही है क्योंकि जब ये वापस जा रही है ना तो यहां पर सब लैंड एरिया है लैंड एरिया के ऊपर से वापस जा रही हैं तो इनको क्या है इनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है इनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है जिससे रेनफॉल करे तो वापस जाते हुए रेनफॉल नहीं करती बट याद रखना जब ये वापस जा रही होती है ना तो यहां पर बे ऑफ बंगाल से इनको थोड़ा बहुत मॉइस्चर उठा लेती हैं और उसके बाद यहां पर केरला के तमिलनाडु के इधर यहां पर कोर्मंडल कोस्ट है इधर कौरमंडल कोस्ट पर यहां पर ये रेनफॉल करती है विंटर में भी तो याद रखना ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर विंटर में रेनफॉल होती है रिट्रीटिंग मानसून के कारण

मोस्चर उठा के पर्शियन गल्फ ब्लैक सी मेडिटेरियन सी से होते हुए कैस्पियन से यहां पर रेनफॉल कर देती है इंडिया में ये है हमारे मानसून का कंसेप्ट जो आपको मैंने पढ़ाया बाकी आपको इस सीजन पता है विंटर समर रेनी सीजन कैसे कैसे आते हैं ये मैंने आपको बता दिया हॉट वॉट एडवांसिंग कैसे आया कैसे गया सारी चीजें मैंने आपको बता दी है वापस कैसे जा रहा है हर चीजें रेनफॉल कहाँ पर कितनी हो रही है इस मैप का स्क्रीन ले लेना यहाँ पर ढाई से तीन सेंटीमीटर तक हो रही है यहाँ पर आपका ढाई सौ और खासी और मौनसिन राम में तो हजार सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलती है और आप जैसे जैसे जाओगे इधर की तरफ रेनफॉल कम होता चला जाएगा था डेजर्ट में तो और भी कम हो जाएगा ड्यू टू द अरावली और ये पैलल जाने के कारण ये चीज मैंने आपको बता दी ठीक है समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम अब मुझे बताइए जो मैंने आपको पढ़ाया क्लाइमेट कितने स्टूडेंट थे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था और अब क्लाइमेट में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कैसे हुआ सिर्फ इसी लेक्चर को पहली बार देखा है कल हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया वो सॉरी नेचुरल वेजिटेशन परसों हम पढ़ेंगे सॉयल ऑफ इंडिया कल संडे है ना कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है संडे को भी क्लास लेंगे जब क्लास लेंगे तो लेंगे कल संडे को भी लेंगे पाँच बजे ही लेंगे फिर उसके बाद हम लेंगे याद रखना उसके बाद हम लेंगे इलेवेंथ क्लास के बाद फिर हम नेक्स्ट एन वो सॉइल्स ऑफ इंडिया करेंगे फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर करेंगे नेचुरल डिजास्टर एंड ऑल तो सात चैप्टर हैं इस एनसीआर के पूरी इलेवेंथ क्लास कंप्लीट कर देंगे फिर उसके बाद और आगे का पढ़ेंगे फिर कुछ दिन का गैप है क्योंकि कुछ और एनसीआरटीज हैं कुछ और जो हमारे एजुकेटर्स हैं जो हमारे फैकल्टीज हैं वो क्लासेज लेंगे फिर उस टाइम पर मेरी क्लासेज पांच छह दिन के लिए होल्ड हो जाएंगी फिर उसके बाद में 22 के बाद दोबारा लेना स्टार्ट करूंगा तो परेशान मत होना चार पांच दिन में कहा गायब हो गया यहीं रहूंगा पांच छह दिन के गैप के बाद में फिर दोबारा आऊंगा बट याद रखना अन की ऐप पर मिलूंगा मैं अन की ऐप पर मिलूंगा उस टाइम पर मैं और अन की ऐप के साथ साथ मैं कहां पर मिलूंगा अन अकेडमी की ऐप पर और अन अकेडमी के प्लस कोर्स पर किस टाइम मिलोगे सर अन अकेडमी की ऐप और प्लस पर मिलूंगा ऐप पर तो मिलूंगा वन पी एम पर फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू कवर करवाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज और एट ए एम से 19 ऑफ नवंबर को मेरा प्लस कोर्स आ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का अनअकेडमी ऐप पर तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट की इसको जरूर ज्वाइन करें ठीक है एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप अनडमी ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिए ऐप को इंस्टॉल कीजिए अनिरुद्ध मलिक को सर्च कीजिए क्योंकि मैं एक दो दिन के अंदर वन पी एम पर इंडियन जोग्राफी का आपके लिए जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं इंडियन ज्योग्राफी कवर करूंगा टॉपिक वाइज इसको कोई मिस मना करे उसी के साथ साथ प्लस पर नाइनटीन से कर रहा हूं उसी के साथ साथ आप एक चीजें और ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट है कि गाइज 19 नवंबर से प्लस कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का और नेक्स्ट मंथ दिसंबर में स्टार्टिंग से इंडियन ज्योग्राफी का प्लस में है फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी चाहे ओशनोग्राफी हो क्लाइमेटोलॉजी हो सब कुछ बहुत डिटेल में चाहे जियोमोरफोलॉजी हो और याद रखना पूरी प्रिलिम्स मेन्स ऑपल प्लस इंटरव्यू ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी कुछ नहीं करना बस आपको कैपिटल ए एम टेन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना है वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से जो भी पॉसिबल है प्लस अगर आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वन ईयर का आपको एश्योरेंस मिलेगा एक्सटेंशन मिलेगा और 18 मंथ्स के साथ सिक्स मंथ्स का मिलेगा तो मैं आपको यही बोल रहा हूं अन सब्सक्रिप्शन पर अगर आप कोर्स लेते हो मेंटरशिप गार्डेंट सब कुछ आपको मिलेगा ठीक है, ओके okay. ये सारी चीजें तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सब्सक्रिप्शन में तो स्टूडेंट नीचे कमेंट में, में मेंशन कर देगा अन अकेडमी अंडर स्कोर मलिक ठीक है यहां पर जाइए वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है कोई भी डाउट है वहां पर मैं हेल्प करूंगा एंड प्लीज सीरियस हो जाइए आपकी लाइफ है आपको बाद में रियलाइज होगा कि मैं क्या कर रहा था किस पोजिशन पर कर रहा था हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसा ना हो कि इसको पंचवर्षीय योजना के चक्कर में बहुत डिले कर दो चीजों के साथ बहुत जल्दी क्विकली हमें चीजें करनी है क्योंकि बहुत वाइड कोर्स है एक दो साल तो ऐसे निकल जाएंगे जब आप वेल well प्रिपेयर्ड हो ना तो आपका प्रस नहीं लिखेगा बिकॉज बहुत लक का खेल है मान के चलिए हमने पहले से ही पांच साल ले लिए उसमें से फिर प्रिलिम्स दिया क्रैक नहीं हुआ अगली बार प्रिलिम्स क्रैक हुआ मेंस नहीं हुआ फिर दोबारा प्रिलिम्स तो आठ दस साल लगाओगे क्या यार एक दो साल में फटाफट डिटेल में स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करके चीजों के ऊपर आ जाइए बहुत जल्दी ज्यादा डिले मत कीजिए जो भी करना है लाइफ में जल्दी करके डिसाइड कर लीजिए इसलिए बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर जितना जल्दी कर सको बहुत जल्दी आ जाइए स्ट्रक्चर करने के लिए ठीक है ओके तो आप एम टेन कोड यूज करके ले सकते हो अनुद्ध मलिक कोई भी स्टूडेंट नीचे कमेंट में दोबारा लिख देगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए मेंटरशिप गाइडेंस मेरे उससे मिलेगी यहाँ पर और कोई भी डाउट है कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर अवेलेबल होगा फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी ऐप पर और तेहरे नवंबर को याद रखना थर्टी नवंबर को आज ट्वेल्व है आई थिंक हाँ कल कल मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में अनअकेडमी कॉम्बैट वो चैंपियनशिप है कल मॉर्निंग में अनअकेडमी चैंपियनशिप है तो उस चैंपियनशिप में जरूर आप एनरोल कर लीजिए कोड यूज करके चैंपियनशिप में एनरोल कर लीजिए अनएकेडमी की याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है ये फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपके पास फोर्टी करोड़ रुपीज तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अन अकेडमी चैंपियनशिप में ठीक है तो कोई भी स्टूडेंट उसमें डिले ना करे क्लियर है अन अकेडमी की जो चैंपियनशिप है कल है थर्टीन को थर्टीन को इलेवन ए एम पर एम टेन कोड यूज करके एनरोल कर लीजिए इस चैंपियनशिप के अंदर और कल सुबह ग्यारह बजे दीजिए टॉप फाइव स्टूडेंट को आपका आई ऑफिसर से मिलने का मौका प्लस स्मार्टफोन्स लैपटॉप ये सारी चीजें मिलने वाली हैं टॉप फाइव स्टूडेंट को अमेजिंग प्राइजेस है बाकी को स्कॉलरशिप भी मिलेगी तो इस कोड को यूज़ कीजिए ए एम टेन अभी अन अकेडमी ऐप पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए इस चैंपियनशिप के लिए कल थर्टी नवंबर है मॉर्निंग में इलेवन ए ए एम ए एम टेन कोड यूज करके सभी स्टूडेंट जितना हो सके शेयर कीजिए हेल्दी हल, हल, कंपटीशन होगा आपका उसी के साथ साथ ये आपके पास एक्सटेंशन ऑफर है अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं थ्री मंथ्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है ए एम टेन कोड यूज करने से और एटीन मंथ्स में सिक्स मंथ्स फ्री मिल रहा है और ट्वेंटी फोर मंथस में वन ईयर का एश्योरेंस मिल रहा है कि अगर आपका क्लियर नहीं होता कोड बस आपको ए एम टेन यूज करना है और वहीं पर मेरी मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ मिलेगी फिफ्टींथ नवंबर तक का ऑफर है इसलिए जल्दी ले सकते हो कोई डिले मत कीजिए अभी का सेशन यही खत्म करते हैं बाय टेक केयर सी यू कल हम बात करेंगे हमारे नेचुरल वेजिटेशन की शाम पांच बजे यहीं पर ओके बाय टेक केयर गाइड्स